ठीक है, ये है फर्स्ट ईयर की सैलरी जब आप स्टार्ट करोगे, वो भी सबसे कम वाली जो आपको बताई हुई है। हो सकता है कि कंपनी और ज़्यादा पे करती हो, है ना। तो आज है 21 तारीख, 21 फरवरी, और शाम के 4:44 हो गए हैं। पूरे 7 डिग्री टेम्परेचर है आज, बहुत बढ़िया मौसम हो गया। आपको बताया था ना मैंने, बस गर्मी आने वाली है अभी। आज जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए ब्लॉग लेकर आऊँगा अपनी अर्निंग्स का, कि इस जॉब में आप कितना कमा सकते हैं और कितना यहाँ पर आपको मिल सकता है ना, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव से ये वाली वीडियो होने वाली है। तो एनीवेज वेलकम बैक टू कन्नड़ ब्लॉग, यू नहीं आया मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग विद दिस ब्यूटीफुल ब्लॉग। तो अभी ये वाला व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज़ हिट द बेल आइकन और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना वीडियो को। इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं एटलीस्ट 1500 लाइक्स एंड 500 कमेंट्स वंस अगेन। तो एक बार फिर से कहूँगा कि बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि अगली वीडियोज़ आने वाली हैं जिसमें मैं बताऊँगा कि मेरा वर्क परमिट एक्सपायर हो गया, हो चुका है, लेकिन मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये सारा कुछ आपको उन्हीं वीडियोज़ में पता चलेगा। इसके अलावा मैं अपनी PR अप्लाई कर रहा हूँ, वो कैसे कर रहा हूँ और कितनी फीस वगैरह पे कर रहा हूँ मैं PR के लिए, किसी एजेंट के थ्रू कर रहा हूँ, जो अपने आप कर रहा हूं, सारी बातें होंगी A to Z मेरी PR तक, आपके साथ सारा कुछ शेयर करूंगा। इसके लिए अभी के अभी बेल आइकन ऑन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आज कनाडा में आवाज बहुत कर रही है यार। तो आज फैमिली डे या कनाडा में 21 फेब को यहां पर फैमिली डे होता है, जिसकी वजह से आज सारा कुछ बंद है, टोटली बंद है। मुझे काम से भी छुट्टी थी, आज मंडे है ना, आज तो इस बार लॉन्ग वीकेंड आया था तो मेरी काम से भी छुट्टी थी, और ऊपर से सारा कुछ मतलब टोटली एक भी चीज नहीं ओपन होती, यहाँ तक कि ग्रोसरी स्टोर्स तक ओपन ही होते हैं। मे बी फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स ओपन हो, जैसे मैकडी वगैरह हो गए, वो ओपन होंगे, लेकिन मौसम बढ़िया था तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर जाकर आया हूँ और थोड़ा सा घूम कर आता हूँ, जरा बाहर देख कर आते हैं, क्योंकि इतनी बढ़िया धूप कभी कभी देखने को मिलती है कनाडा में। हमने अपना 360 कैमरा ऑर्डर कर दिया है तो बहुत मजा आएगा इस बार गर्मियों में। होशियो आइलैंड पार्क हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है, मतलब 2 मिनट की ड्राइव है बस घर से। तो यहाँ ये आपने काफी बार देखी हुई है पहले, लेकिन कोई और जगह मिल ही नहीं रही तो क्या करें, और ऊपर से सारा कुछ बंद है, लेकिन ड्रोन वगैरह काफी बढ़िया उड़ा होगा। वो देखो वो सामने क्या कर रहा है बंदा, वो आपको दिख रहा है, ऐसा अक्षय कुमार के पास भी था। तो ये है होशियो आइलैंड पार्क हमारे घर के बिल्कुल पास, बहुत बढ़िया जगह है, अगर किसी ने वॉक के लिए आना है यहाँ पर वॉक करने के लिए जा सकता है। ये पूरी की पूरी पार्क यहाँ से कनेक्ट होकर ना वो उधर वो वहाँ तक जाती है, काफ़ी लंबा रास्ता है, देखने में छोटा लगता है लेकिन पार्क है, वॉक करने के लिए काफ़ी बढ़िया, अगर किसी ने वॉक करने के लिए आना है। गर्मियों में वहाँ पर लोग आकर बैठते हैं, ये यहाँ पर एक छोटा सा बीच बना हुआ है, पानी काफ़ी कम हो गया है। जब मैं पिछली बार आया था ना, अभी कुछ एक हफ्ता पहले यहाँ पर आया था मैं, पानी वहाँ तक था, यहाँ पर मेरी उंगली देख रही हूँ वहाँ तक पानी था, और अभी यहाँ तक आ गया है, वहाँ ऊपर तक वहाँ पर पानी था, ऊपर तक पानी था उस जगह पर, और अभी देखो पानी एकदम से कम हो जाता है ऐसे कभी कभी। वो देखो ये आपने देखा होगा अक्षय कुमार की मूवी में, वो देखो ये ऐसे इस पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है ताकि ये ऊपर तक लेकर जाए उसको। यार मुझे कटिंग करवानी है अपनी, मुझे इतना गंदा लग रहा है ना, मेरे बियर्ड भी नहीं सेट है, कटिंग भी नहीं करवाई मैंने काफी टाइम से, क्योंकि जिससे मैं कटिंग करवाता हूँ वो इस वक्त इंडिया गया हुआ है। तो आज हमने अर्निंग्स की बात करनी है ना, तो जो मैं जॉब करता हूँ मैंने आपको बताया था इंश्योरेंस एडवाइजर, तो ये तो आपने उसमें देख लिया सारा कि मुझे ये वाली जॉब कैसे कैसे मिली, क्या क्या हुआ ना। तो वो अर्निंग्स की जो बात होती है ना वो डिपेंड करता है सबसे पहले पोजीशन पर आपकी, दूसरी बात आपको कितने साल हो गया कंपनी के साथ काम करते हुए, और तीसरी बात आप कौन सी प्रोविंस में काम कर रहे हो, सारा कुछ इस चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं आपको अपनी एग्जैक्ट अर्निंग्स तो नहीं बता सकता, सैलरी एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि दिस इज कॉन्फिडेंशियल और हमें बताना भी अलाउ नहीं होता। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक जॉब नहीं होती, लाइक इंश्योरेंस एडवाइजर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स जो होते हैं अलग होते हैं, और इसके बाद जो इंश्योरेंस ब्रोकर्स होते हैं वो अलग होते हैं। अब इंश्योरेंस के अंदर भी काफ़ी तरह की जॉब्स आती हैं, लाइक कार होम इंश्योरेंस जो होती है या फिर लाइफ इंश्योरेंस होती है। तो अब इसमें जो अर्निंग्स होती हैं वो भी अलग अलग तरीके की होती है, लाइक कोई कंपनी आपको एज अ
कमीशन बेस पे करेगी कि आपने आपने क्लाइंट को इंश्योरेंस बेची या नहीं, तो फिर वो आपको उसका कमीशन देगी, या फिर कोई आपको डायरेक्ट सैलरी पे रखेगी। जो मैं काम करता हूँ ना, वो मेरा काम है होम एंड ऑटो इंश्योरेंस, ठीक है। तो इसमें जो मेरी सैलरी बेस्ड है, मेरी जो जॉब है ना, वो एनुअल सैलरी बेस्ड है। तो अब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि कैनेडा में हर एक प्रोविंस में डिफरेंट डिफरेंट अर्निंग्स होती हैं। जैसे कि नोवा स्कोशिया का जो पे रेट है वो $12.95 है मिनिमम वेज जो है ना, वही अगर ओंटेरियो में चले जाए वहाँ पर उनका मिनिमम वेज जो पे रेट है वो है $15। और टैक्स रेट्स भी हर एक प्रोविंस में अलग है, जिसकी वजह से अगर आप ओंटेरियो में जाओगे, सेम जॉब जो मैं कर रहा हूँ, अगर आप ओंटेरियो में जाकर करोगे वहाँ पर आपको डिफरेंट सैलरी मिलेगी, अगर आप नोवा स्कोशिया में कर रहे हो यहाँ पर आपको डिफरेंट सैलरी मिलेगी। तो इसके बाद सबसे पहले ये देखने से पहले कि हम सैलरी कितना कमाएंगे, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आपको वो सैलरी कितनी ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से जस्ट टेक एज एन एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि वो आपको 50,000 सैलरी ऑफर कर रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि आपको 50,000 मिलेगा साल का, ठीक है। लेकिन वो जो आपको 50,000 बता रहे हैं ना, वो 50,000 इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस एंड एवरीथिंग, सारा कुछ मिलाकर होता है, ठीक है, 50,000 वो वाला। इसके बाद आपको ये याद जरूर रखना है कि आपके टैक्सेस भी कटेंगे, फिर उसमें से आपको टैक्सेस कटने के बाद आपके हाथ में कितने पैसे आ रहे हैं ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले अब मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, यहाँ पर जाकर आप आराम से अपना कुछ भी चेक कर सकते हो कि आप कितनी आपकी सैलरी है एनुअली, और आपके टैक्सेस एनुअली कटने के बाद कौन सी प्रोविंस में आप हो और आपके हाथ में कितने आएंगे, ठीक है। talent.com, ठीक है, CA.talent.com। तो इस वेबसाइट पर सबसे पहले आपको जाना है, फिर जाना है टैक्स कैलकुलेटर, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, सो लेट्स पुट डाउन हेयर। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रोस इनकम डालनी है, जितनी भी वो आपको बताएंगे, 50,000 एनुअली। सबसे पहले हम टैरियो के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एनुअली। फिर आपको यहाँ पर मंथली वीकली, मंथली बाई वीकली, वीकली डे आवर, आवरली के हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हम मैनुअली के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट, ठीक है, ये है ओंटेरियो के लिए। तो दिस इज योर एनुअल सैलरी जो उन्होंने आपको बताई, 50,000 एनुअली। अब इसमें से टैक्सेस कटने के बाद आपकी जेब में कितने आ रहे हैं, $36,662, इतने आपकी जेब में आ रहे हैं। अब आपने टोटल टैक्स कितना दिया, ये नीचे जाओ आप, यहाँ पर देखो जरा, इतना टैक्स आपने टोटल पे किया है $13,338 एनुअली, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या दिया है ये भी आपको ध्यान से देखना है, फेडरल टैक्स डिडक्शन $6,791 एनुअली, प्रोविंशियल टैक्स आप अपना इतना दे रहे हो, CPP डिडक्शंस आप अपनी इतनी कर रहे हो, ईयर डिडक्शन। तो ये सारा कुछ आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, तो इसलिए हम मोस्टली जो कनाडा में अगर आप हायर होते हो ना कहीं, तो वो आपको बाय वीकली पे करते हैं, तो हम बाय वीकली चेक करते हैं कि आपका अगर 2 हफ्ते का चेक आएगा तो आपका कितने का आएगा। तो 2 हफ्ते की आपकी जो सैलरी बनेगी $1,923, लेकिन लेकिन इतनी आपको मिलेगी नहीं, टैक्स कटने के बाद आपको मिलेगी $1,410, मतलब $513 आप टैक्स दे रहे हो बाय वीकली 2 हफ्तों का। CPP डिडक्शन होता है, मतलब आपका कनाडा पेंशन प्लान, जो आपके बाद में पेंशन लगेगी ना उसमें से आपके पैसे अभी से जाने शुरू हो रहे हैं। और EI मतलब एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, जैसे अभी कोविड आया था ना पीछे, तो बहुत लोगों ने अपनी EI जो थी, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस थी, वो उन्होंने अपनी क्लेम की थी, मतलब ये हम कनाडा को दे रहे हैं अगर कुछ ऐसा हो जाए लाइक कोविड जैसा कुछ द्वारा आ जाए और लॉकडाउन वगैरह लग जाए और हमें काम ना मिले, तो हम अपनी EI क्लेम कर सकते हैं उस वक्त, ठीक है। और ये है आपका ओंटेरियो के लिए। लेट्स से अभी आप नोवा स्कोशिया पर आते हैं, नोवा स्कोशिया में आप $50,000 एनुअली कमा रहे हो, तो आप टैक्स कितना पे करोगे। नोवा स्कोशिया में टैक्स काफ़ी ज़्यादा है ओंटेरियो से भी ज़्यादा। तो ये देखो, 50,000 अगर आप अगर नोवा स्कोशिया में एनुअली आपकी सैलरी है, तो फिर आपकी जेब में आएंगे $34,419, ठीक है। तो बाई वीकली इसमें से आपकी जेब में आएंगे $1,324, इतने आएंगे आप। तो अभी इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान नहीं दिया होगा कि इसमें मेडिकल इंश्योरेंस कवर नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि मेडिकल इंश्योरेंस की आप कितना पे कर रहे हो, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में हायर होते हो ना, वो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होती हैं, 90% 99% कंपनीज जो होती हैं, वो आपको मेडिकल इंश्योरेंस ऑफर करती हैं, तो वो इससे आपकी पे थोड़ी और कम हो जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है। ग्लास डोर जो मेरी फेवरेट वेबसाइट है, ये देख रहे हो glassdoor.ca, क्योंकि ग्लास डोर के ऊपर लोगों ने अपनी सैलरीज डाली होती है, जिसकी वजह से उनको सही अंदाजा मिल जाता है कि कितना बंदा कमा सकता है। इसमें बहुत बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं, लाइक क्लेम्स डिपार्टमेंट हो गया, या फिर इसके अलावा और एडजस्टर्स हो गए जो गाड़ियों वगैरह को, घर वगैरह को जाकर देखते हैं कि कितना नुकसान हुआ है, और अंडर राइटिंग होती हैं, बहुत कुछ होता है।
मतलब बहुत कुछ होता है जिसमें आप बहुत बढ़िया बढ़िया पैसे भी बना सकते हो। लेकिन आई नेवर नेवर मैं कभी भी किसी को भी जॉब वगैरह करने के लिए मोटिवेट नहीं करता। ऑब्वियसली अगर आप करना चाहते हो करो, लेकिन मैं एक बिजनेस माइंडेड बंदा हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर बंदे का अपना बिजनेस होना तो सबसे बढ़िया है। तो यही मेरी सोच है, आगे जाकर मैं भी कोई ना कोई बिजनेस करूँगा, लेकिन अभी के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये है देखो, हाउ मच डज इंश्योरेंस एडवाइजर मेक, सो दैट्स वेरी हाई कॉन्फिडेंस, सो दिस इज़ अ एवरेज बेस पे, जो बेस पे कहते हैं ना, तो ये मत समझना कि इतनी ही आपको मिलेगी अगर आप यहाँ पर आकर कहीं काम कर रहे हो। सो दिस इज़ बेस पे जो $47,000 है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये आपको किसी, ये इन्होंने हर जगह की ना सैलरी वगैरह इकट्ठी करके जो जो लोगों ने अपने रिव्यू किए हुए हैं अलग अलग कंपनीज से, तो उसके हिसाब से है। बाकी हर एक कंपनी की अलग पे होती है। मेरे नीचे आ जाते हैं, ये देखो, ये इन्होंने नीचे कंपनीज लिखी हुई हैं सारी की सारी। आप ऐसे जाकर वेबसाइट्स वगैरह पर जाकर चेक कर सकते हो TD इंश्योरेंस कितना पे करती है एनुअली, और TD, ये देखो, ये सारा का सारा कितना पे करते हैं ना, RBC इंश्योरेंस कितना पे करती है। तो इनमें से जो सबसे बढ़िया जो है ना, वो तो एक ही है, वो है TD इंश्योरेंस, बाकी सारे कम ही पे करते हैं। तो बाकी बहुत सारी सैलरीज ऐसे लिखी हुई हैं, लेकिन ये है बेस सैलरी, ठीक है। ये है फर्स्ट ईयर की सैलरी जब आप स्टार्ट करोगे, वो भी सबसे कम वाली जो आपको बताई हुई है। हो सकता है कि कंपनी और ज़्यादा पे करती हो, है ना, मतलब ऑलमोस्ट कुछ 45 to 70,000 इतना आप रख सकते हो। उसके बाद और कंपनीज के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कंपनी आपको वोकेशंस देती है, पेड वोकेशंस होती हैं, जो उसके बाद आपको साथ में बोनस भी मिलते हैं एंड ऑफ द ईयर, कि आपने कितना बढ़िया काम किया है, कैसा काम किया है पूरा साल, तो उसके हिसाब से आपको बोनस मिलते हैं, और बोनस काफ़ी बढ़िया होते हैं, मजाक नहीं कर रहा। और हाँ, जो ऐसे TD जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, ये आपको अपनी कंपनी के शेयर्स भी देती हैं कि आपने एंड ऑफ द ईयर की कंपनी ने कितना बढ़िया अर्न किया है, कंपनी की अर्निंग्स कितनी हुई है, उस हिसाब से ये आपको अपने शेयर्स भी देंगे। मैं यही कहूँगा कि अपने दिमाग में से ना थोड़ा सा सोचो कि हमने आगे क्या करना है ना, ऐसी जॉब नहीं कह रहा मैं, लेकिन हाँ, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो थोड़ा सा सोचो कि हमने कनाडा जाकर अपनी PR के बाद क्या करना है। PR को अपने दिमाग में सोचकर मत आओ कि हमें PR ही लेनी है। PR नॉट अ इशू, PR आपकी 5 साल जितना भी टाइम लगेगा, 4 साल 5 साल, उसके बाद आपकी हो ही जाएगी। लेकिन आपने PR के बाद क्या करना है ये भी सोचो। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जो माइंडसेट हम इंडिया से लेकर आते हैं ना, मेरा भी था, जिसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की और बहुत ज़्यादा, और मैंने अपना टाइम वेस्ट किया और बहुत ज़्यादा मैंने अपने पैसों को भी ख़राब किया एक हिसाब से। ये सारी इसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो जरूर देखना आप, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर आज का व्लॉग इतना सही था। अगर आपको कुछ और जानना होगा, किसी और जॉब के बारे में जानना होगा कि वो कितना कमाते हैं, क्या होता है, ऑब्वियसली आपको इंटरनेट पर भी सर्च करने पर एग्जैक्ट सैलरी किसी भी जॉब की नहीं मिल सकती, क्योंकि हर एक कंपनी का अलग अलग हिसाब होता है, वो अलग अलग कमाई होती है। लेकिन हाँ, आप एक एस्टिमेट जरूर लगा सकते हो कि बंदा कितना कमा लेता है ना। बस फिर ये लोग यहीं पर खत्म करते हैं, जो नया है मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर हमको कैसे वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, स्टे होम स्टे सेफ, कीप वॉचिंग कनाडा व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।